हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी फूडीज़। तो आज हम बनाने वाले हैं रस माधुरी। ये रस मलाई से बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है बट थोड़ा सा अलग होती है। ये रांची में बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रस माधुरी। रस माधुरी के लिए हमने 2 कप दूध ले लिया एक कढ़ाई में। उसको उबाल लेंगे। पहले एक उबाल आने दें, उसके बाद इसमें हमने डाल दिया है इलायची 1 छोटी चम्मच। फिर उसमें हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच चीनी। उसको मिक्स कर देंगे और उबलने देंगे, अच्छे से करने देंगे। फिर इसमें हमने डाला है मिल्क पाउडर। हमने 1/4 कप मिल्क पाउडर ले लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। आपसे नहीं हो पाएगा तो आप ठंडे दूध में ही मिक्स कर लें इसको, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बहुत जल्दी पड़ जाती हैं। देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है इसको इस तरीके से। अब हम इसमें उबाल आने देंगे, अच्छे से पकने देंगे इसे। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा उबलते ही ये। देखिए, अब हम इसमें कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हैं। रस माधुरी रेसिपी व्हाइट कलर की होती है बट मैंने डाल दिया है, आप चाहे तो स्किप कर सकते। देखिए, इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। इसको थोड़ा सा पकाकर गाढ़ा कर लेंगे। ये गाढ़ा हो चुका है। इसको पकाने के लिए 3 से 4 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू और बादाम चॉप करके। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद का ले सकते हैं। फिर हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है थोड़ी सी पनीर। उसमें डालेंगे 2-3 चम्मच नारियल बुरादा। उसके बाद मैंने इसमें शक्कर डाला है 2 चम्मच। आप इसको मिक्स कर लें अच्छे से। मिक्स करके एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। इसको हमें साइड में रख देना है। देखिए, कुछ इस तरीके का हो गया है। अब इसको साइड करेंगे। हमने ब्रेड ले ली है, वाइट ब्रेड लिया है मैंने। इसको हम इसके साइड्स को कट कर देंगे चारों साइड से, कुछ इस तरीके से। मैंने कट कर लिया है सारे साइड्स को। आप ये साइड्स जो बच रहे हैं इसे फेंकिए नहीं फ्रेंड्स। इसको ग्राइंड करके थोड़ा सा रोस्ट करके एक डब्बे में भर के फ्रिज में स्टोर करिए। आप किसी भी नाश्ते में इसे यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं बट ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। किसी भी चीज़ में से साइड्स बचते हैं तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं ब्रेड क्रम्स की तरह यूज़ करने के लिए। मैंने सारे ब्रेड के साइड्स कट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस पे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है। अब हम 2 ब्रेड स्लाइस लेंगे। इसको दूध में डिप करेंगे और इसका दूध फटाफट बाहर निकाल देंगे। ज़्यादा देर तक दूध में नहीं छोड़ना है हमें। तुरंत डिप करके तुरंत बाहर निकाल लेना है और इसको दबा दबा कर इसका दूध एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। अब हमने इसमें ये स्टफिंग भर दिया जो हमने बना के रखा हुआ है। एक छोटे बॉल के साइज़ का लेंगे और इसको बीच में रख के इसको बंद कर देंगे, कुछ इस तरीके से। मैंने बंद कर दिया है और बॉल की शेप का बना लेंगे इसे, कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया है। ये हमारा रेडी है रस माधुरी का बॉल। अब मैंने इसी तरीके से सारे रस माधुरी के बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से। आपने बड़ा वाला ब्रेड लिया है तो आप सिंगल ब्रेड से भी बना सकते हैं। मैंने ये छोटा ब्रेड लिया था इसलिए मैंने डबल करके किया है। इस तरीके से मैंने इसे गोल गोल बॉल्स की शेप दे दी है। चलिए, इसकी प्लेटिंग के लिए चलते हैं। अब इसको हम एक सर्विंग ट्रे में रखेंगे। 4-5 बॉल मैंने एक साथ रख दिया है। अब इसके ऊपर वो हमने मलाई जो बनाई हुई है वो पोर करेंगे।
ये सर्व करने के टाइम पर ही डाले फ्रेंड्स, नहीं तो ये थोड़ा पिघल जाएगा। हमने ब्रेड से बनाया है इस वजह से, तो इसको हमने डाल दिया है और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे और सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा रस माधुरी बनकर रेडी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।